लैम्डा आ जाएगा 974 एंगस्ट्रॉम। मोमेंटम पी होता है एम वी या एच ओवर लैम्डा, तो वी होता है एच ओवर एम लैम्डा, तो ये वैल्यूज पुट करेंगे तो वी आ गई 4.26। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लैम्डा करें, जी। जो लैम्डा है वो हम 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 ओवर n f² - 1 ओवर n i² से भी फाइंड कर सकते हैं ना। आप कर सकते हैं, आप n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में आ रहे हैं, आपको वो लैम्डा वाला रिलेशन लगा लें, आंसर तो वही आना है ना। ठीक है, आपने लैम्डा फाइंड आउट करना है, कोई इशू नहीं यस है। सर। आप इसीलिए मैं वैल्यू लिखवा रहा हूं कि लैम्डा 974 एंगस्ट्रॉम, और फिर जब ये P इज इक्वल टू एम वी एच ओवर लैम्डा पुट करेंगे तो V आ जाएगा 4.26 मीटर पर सेकेंड। तो ये आप टैली कर लीजिएगा, इसलिए हिंट दे रहा हूं ताकि बाकी आप लोग खुद करें। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी रेवोल्यूशन डज एन इलेक्ट्रॉन इन द एन इज इक्वल टू टू स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम मेक्स बिफोर ड्रॉपिंग टू एन इज इक्वल टू वन स्टेट। यानी एन इज इक्वल टू टू से एन इज इक्वल टू वन स्टेट में इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करता है तो वो कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, और एवरेज लाइफ टाइम जो है एक्साइटेड स्टेट का वो -8 सेकेंड है। यानी टॉ जो है वो -8 सेकेंड है। आपने क्या मालूम करना है, कितनी रेवोल्यूशन वो कंप्लीट करता है बिफोर ड्रॉपिंग टू एन एन इज इक्वल टू टू से एन इज इक्वल टू वन। तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है किसके इक्वल होती है, एफ एम ई की 4 लिख लें आप, एम ई की 4/8 ε₀² h³ 2/n³, ये होती है फ्रीक्वेंसी। अगर आप सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो क्या होगा, एम ए की 4/8 ε₀² CH³, ये बन जाएगा R, और रेस्ट क्या बन गया, 2/n³ × c। तो R रेड पर कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1.097 × 10⁻¹⁷ m³, और वो हो गया 2/n³ है, तो n की जगह पे 2 पुट कर लें, 2 का क्यूब हो गया मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ m³/s। तो यहाँ से f आ गया 8.2 × 10⁻¹⁴ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, 8.22 × 10⁻¹⁴ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अब आपने मालूम क्या करना है, एफ इंटू टी, तो 8.22 × 10⁻¹⁴, और जो एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम है वो कितना है, -8 सेकेंड, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8.22 × 10⁻¹⁶ रेवोल्यूशन, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी यस सर। आपने एफ का फॉर्मूला मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी आ गई जैसे भी मालूम करें, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई सी करके उसको आर की फॉर्म में बना लिया, आप डायरेक्टली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो एफ आपका आ जाना है 8.22 × 10⁻¹⁴ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। इसको टी जो है एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम है उससे मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा 8.22 × 10⁻¹⁶ रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 आसान सा है, द एवरेज लाइफ टाइम एन एक्साइटेड स्टेट इज -8 सेकेंड इफ द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन एसोसिएटेड विद द डिके ऑफ द स्टेट इज 4000 एंगस्ट्रॉम, फाइंड द विड्थ ऑफ द लाइन। यानी एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम -8 सेकेंड है बताया गया है। इफ द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, यानी कि
किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन की जो वेवलेंथ है एसोसिएटेड विद एनी डिके, लैम्डा जो है वो गिवन हो 4000 एंगस्ट्रॉम, तो विड्थ ऑफ द लाइन क्या होगी, यानी उस ट्रांजिशन की विड्थ क्या होगी। तो आपको पता है डेल्टा ई डेल्टा टी जो है ना वो किसकी इक्वल होता है, एच कट के, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहां से लिख सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू एच कट ओवर डेल्टा टी, ये तो हर एक को पता है। और दूसरा आपको पता है ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है या एच सी ओवर लैम्डा। तो यहां से डेल्टा ई क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस एच सी ओवर लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा। अब एक डेल्टा ई आपके पास आ गया एच कट ओवर डेल्टा टी, एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन आ गई माइनस एच सी ओवर लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा। दोनों को कंपेयर किया तो क्या बन गया, एच कट ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एच सी ओवर लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा। इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल्टा लैम्डा आपके पास आ जाएगा 8.5 इनटू माइनस 15 मीटर। समझ आ गया कि मैं रिपीट करूं? रिपीट कर दें। आपको पता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, डेल्टा ई डेल्टा टी एच कट। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू एच कट ओवर डेल्टा टी लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू एच कट ओवर डेल्टा टी, ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरा आपको पता है इज इक्वल टू एच न्यू, इसको क्या लिख सकते हैं, न्यू को सी ओवर लैम्डा, तो इज इक्वल टू क्या हो गया एच सी ओवर लैम्डा। इसका डेरिवेटिव ले लें डेल्टा ले लें तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये एच सी ओवर डेल्टा लैम्डा, तो माइनस एच सी ओवर लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा बनेगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव माइनस एच सी ओवर लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। पहली थी डेल्टा इज इक्वल टू एच ओवर एच कट ओवर डेल्टा टी, और ये हो गई माइनस एच सी ओवर लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा। दोनों को इक्वेट कर लें और यहां से डेल्टा लैम्डा सेपरेट कर लें, ठीक है, और बाकी वैल्यूज पुट कर लें, लैम्डा भी आपको पता है, एच कट भी पता है, डेल्टा टी भी पता है, एवरीथिंग पता है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 8.5 इंटू माइनस 15 मीटर, डेल्टा लैम्डा आ जाएगा 8.5 इंटू माइनस 15 मीटर। ठीक हो गया? यस सर। सर ये जो आंसर आया ये क्या चीज है, हमारे पास डेल्टा लैम्डा, डेल्टा लैम्डा मीटर्स में आ गया ना, जो लाइन है उसकी विड्थ है, ठीक हो, जो आपकी ट्रांजिशन लाइन है जिसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है, उसकी विड्थ जो आई उस ट्रांजिशन की वो उसको डेल्टा लैम्डा कहा, वो हो गई 8.5 इनटू माइनस 15 मीटर, यानी 8.5 फेमटोमीटर हो गई। जी ठीक हो, नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। At what temperature will the average molecular kinetic energy in gaseous hydrogen equal the binding energy of the hydrogen atom? Yani kinetic energy किसके equal होती है? Average kinetic energy, molecular kinetic energy वो होती है 3/2 kT के, और वो equal है for the 3/2 kT 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो यहां से T जो है वो आपके पास क्या आ गया, टेम्परेचर निकाल लें वो आपके पास 1.05 इंटू 10^5 K आ गया। ठीक है,
13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 3/2 के टी। तो यहाँ से आपने टी निकालना है जो कि ठीक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। एन इलेक्ट्रॉन जॉइन्स अ बेयर हीलियम न्यूक्लियस टू फॉर्म हीलियम प्लस आयन। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन एमिटेड इन दिस प्रोसेस इफ द इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम टू हैव हैड नो काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट कंबाइंड विद द न्यूक्लियस। हाँ जी कैसे करेंगे? आप हिंट दें। अब एन इलेक्ट्रॉन जॉइंस अ बेयर हीलियम न्यूक्लियस, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जॉइन करता है हीलियम के न्यूक्लियस को और हीलियम प्लस आयन बना देता है। ठीक है ना, हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो अगर वो न्यूक्लियस है सिर्फ, तो जब एक इलेक्ट्रॉन जॉइन करेगा तो He प्लस बन जाएगा। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन एमिटेड इन दिस प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस में जो फोटॉन एमिट हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन ने जब जॉइन किया तो फोटॉन एमिट होगा। इफ द इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम टू हैव हैड नो काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट कंबाइंड विद द न्यूक्लियस, यानी जब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है जीरो है, कोई नहीं है जब उसने जॉइन किया, तो कैसे करेंगे? एनी आइडिया? जी बच्चों आप करेंगे, एनर्जी जो है हाइड्रोजन एटम की वो इक्वल है जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर ई वन। ठीक है, तो ये यानी हो गया 13.6 माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, ये एनर्जी होती है ना, यानी जेड स्क्वायर की टर्म होती है ओवर एन स्क्वायर की टर्म होती है, और बाकी सारा कांस्टेंट कितना होता है 13.6। तो हीलियम के लिए जो है जेड टू होता है, तो ई वन क्या हो जाएगा, माइनस 13.6 और एन वन है, यानी इन्फिनिटी से एन इज इक्वल टू वन में ज्वाइन करता है, तो 13.6 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी जेड स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो गया माइनस 54.4। तो कितनी एनर्जी हो गई ई वन की, 54.4। तो आपने मालूम करना है कि लेमडा कितना मिट होगा, तो माइनस 54.4 इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा के इक्वल पुट कर लें उसको, तो एच सी से आप डिवाइड कर लें तो आपके पास लेमडा आ जाएगा और उसकी वैल्यू आती है 2.28 इंटू माइनस 8 मीटर। मैं रिपीट कर देता हूँ, हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी का फार्मूला होता है माइनस जेड स्क्वायर ई वन ओवर एन स्क्वायर, तो हीलियम में जेड टू है तो इसलिए माइनस 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर ओवर एन का स्क्वायर। अब एन जो है कि इन्फिनिटी से वो एन इज इक्वल टू वन स्टेट में जॉइन करता है, तो ई वन हो गई माइनस 13.6 इंटू 4 ओवर 1, तो माइनस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके इक्वल है, एनर्जी के, जो कि एच सी ओवर लेमडा होता है, तो आप एच सी की वैल्यू पुट कर लें तो आपके पास लेमडा का आंसर आ जाएगा जो कि 2.28 इंटू माइनस 8 मीटर गालबन आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 13, लास्ट क्वेश्चन ये करूंगा, बाकी दो आपने करने हैं।
A mixture of ordinary hydrogen and tritium, a hydrogen isotope whose nucleus is approximately 3 times more massive than ordinary hydrogen, is excited and its spectrum observed. How far apart in wavelength will be the H alpha line of the two kind of hydrogen be? तो क्या करेंगे? बताएं। जी बच्चों, आप 1/λh लेट से कह दें, आर एच 1/2² यानी कि एच अल्फा लाइन माइनस 1/3² ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर एच इज इक्वल टू यानी आर फॉर हाइड्रोजन 1/4² माइनस 1/n², तो या हम इसको लिख सकेंगे 1/λh इज इक्वल टू आर एच 5/36। इसी तरह ट्रिटियम के लिए कर लेंगे लैम्डा एच इज इक्वल टू आर फॉर ट्रिटियम 1/2² माइनस 1/3², तो ये फार्मूला हो जाएगा आर टी 5/36। मैं ये शेयर कर देता हूँ आपको, मुझे शायद वैसे समझ ना आए। तो आपके सामने स्क्रीन पे है कि आपने 1/λh और 1/λt मालूम कर लेना है, दोनों को रेशियो लें तो आपके पास λt/λh हो गया RH/RT। R क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, और जो कि RH जो है इक्वल है R/(n²)1+ME/mu, और वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एम एच जो है वो 1836 टाइम्स एम ई है और एम टी जो है वो 3 times एम एच है। तो ये वैल्यूज आप पुट करें तो अल्टीमेटली आपके पास लेमडा म्यू लेमडा एच आ गया 6562.8 एंगस्ट्रॉम और लेमडा टी आ जाएगा 6560.17 एंगस्ट्रॉम। दोनों का डिफरेंस लें तो वो 2.63 एंगस्ट्रॉम आ गया। तो ये आपने करके देखना है, मैंने शेयर कर दिया है, और बाकी जो दो प्रॉब्लम्स हैं